अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ राशिद मिनाज और आप देख रहे हैं ऑटोमेशन स्पॉट। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा सीमेंस पीएलसी S7200 से हम किस तरीके से अपलोड एंड डाउनलोड करते हैं प्रोग्राम। तो मेरे पास जो पीएलसी मौजूद है ये S7200 CPU222। तो इस पीएलसी से हम अपलोड एंड डाउनलोड किस तरीके से कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं केबल की तरफ। तो केबल में हमारे पास जो दो केबल सपोर्ट करता है वो S7200 को, नंबर वन पे आ जाते हैं वो है USB-PPI, जो सस्ता है और सबसे कम रेट में मिल जाता है हमें मार्केट में। तो ये USB-PPI एक S7200 को सपोर्ट करता है, और दूसरा मल्टी मास्टर PPI जो कि 3DB30 के नाम से मॉडल है। और ये मल्टी मास्टर अब किस पीएलसी में जो है USB-PPI सपोर्ट करता है और किस में ये मल्टी मास्टर PPI, ये भी मैं आपको बता दूं। जिस पीएलसी का बॉड रेट हाई होगा उसमें USB-PPI सपोर्ट नहीं करेगा। जिस पीएलसी का बॉड रेट हाई होगा उसमें ये केबल सपोर्ट करेगा, और जिसका बॉड रेट कम होगा उसमें ये केबल आपका आराम से ईज़िली सपोर्ट कर लेगा। तो चलते हैं, हम प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। और बाकी आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं मुझसे सवाल। चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन में, स्टे ट्यून्ड विद अस। सब्सक्राइब करें ऑटोमेशन स्पॉट को, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें, प्रेस करने के बाद ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मेरे पास ये सॉफ्टवेयर मैंने ओपन कर लिया अपने लैपटॉप की स्क्रीन में। आप ये देख सकते हैं Step 7 MicroMin, और यहाँ पर मैं अपने पीएलसी में सबसे पहले PPI केबल कनेक्ट करूँगा। और USB पोर्ट में अपने लैपटॉप में कनेक्ट कर चुका हूँ। यहाँ पर सबसे पहले डिवाइस मैनेजर में आके हम अपने पोर्ट को चेक कर लेते हैं। COM4 है, ठीक है। यहाँ PG to PC में आके देख लेते हैं, यहाँ पर COM4 है, COM4 कर लेते हैं इसको। और यहाँ पर हम सर्च करके देखते हैं इसको। प्लीज़ वेट, COM1 इंटरफेस नहीं चाहिए, हमें 4 चाहिए। COM4 आ गया, अब हम इसको सर्च करके देखते हैं। यहाँ पर ये केबल डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा। अब हम PPI मास्टर को लगाते हैं यहाँ पर, और फिर हम चेक करते हैं, ठीक है। ये मैंने अपना PPI मास्टर को कम्युनिकेट करा दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइट ऑफ बिलिंग कर रहा है, ऑन है। और उसके बाद मैं यहाँ पर सेट PG to PC में USB में आ जाएंगे, ओके करेंगे, ठीक है। करने के बाद डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं डबल क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ये सर्चिंग पे आ गया। तो सर्चिंग में आने का मकसद है ये केबल अब डिटेक्ट कर चुका है, ये रीड कर रहा है हमारे पास, सही है। और जैसे ही ये कंप्लीट करेगा सर्चिंग, उसके बाद ये हमें
सेम ब्रॉड रेट में ये सर्च करके डिटेक्ट कर लेगा। तो यहाँ पर पीएलसी डिटेक्ट कर चुका है, ये आप देख सकते हैं सीपीयू 222 रिले वाला है हमारे पास। अब आ जाते हैं हम, केबल तो हमारा डिटेक्ट कर चुका है, अब हम आ जाते हैं अपलोड कैसे होगा। अपलोड के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर बटन है, तो यहाँ पर नो कर लेता हूँ, प्रोजेक्ट को हमने सेव नहीं करना है। यहाँ अपलोड करेंगे, जैसे ही मैंने अपलोड पर क्लिक किया ये यहाँ पर अपलोड प्रोग्राम ब्लॉक सर्चिंग शुरू कर दिया। ये देखें आप, जैसे ही मैंने अपलोड पर क्लिक किया है सर्चिंग के बाद ये सारा प्रोग्राम हमें अपने लैपटॉप में नज़र आ रहा है। अब डाउनलोड कैसे करेंगे, डाउनलोड भी आप कुछ एडिटिंग करके यहाँ पर डाउनलोड सेम यहाँ से इस बटन से डाउनलोड से कर सकते हैं आप। यहाँ पर डाउनलोड करेंगे, कह रहा है डू यू वांट टू प्लेस द पीएलसी इन स्टॉप मोड, यस। ये डाउनलोड, ये देखें पीपीआई मास्टर केबल, देन जैसे ही कंप्लीट होगा ये रन मोड में अगेन आ जाए, यस ये हमारे पास रन मोड में आ गया। तो ये था हमारा दोस्तों आज का वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। सो, अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं मुझसे, और मेरे दिए गए ईमेल से रابطہ कर सकते हैं मुझसे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।